दोस्तों हाल ही में मैंने Amazon Prime Video पे दूता द मैसेंजर नामक हॉरर थ्रिलर सीरीज देखा है और ये एक काफी ग्रिपिंग सीरीज है। दूता को IMDb पे मिले हैं एन अमेजिंग 8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग उपलब्ध नहीं है। इस सीरीज में कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम दो वीडियोस की माध्यम से कवर करेंगे। आज वाली वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे और अगली वीडियो कल या परसों तक ही आ जाएगी, डिपेंड्स कि आप इस वीडियो पे 12 के लाइक्स कितनी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पार्ट 2 की वीडियो आएगी जिसे मैं ऑलमोस्ट बना भी चुका हूं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज की कहानी की शुरुआत 9 नवंबर 2022 में होती है, जहां हम सागर वर्मा अवधूरी नामक इंसान से मिलते हैं। सागर एक नामी जर्नलिस्ट है जो कि एक नए न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और इस न्यूज़पेपर का नाम होगा समाचार। सागर आज समाचार के लॉन्च इवेंट पे स्पीच देता है और हम जान पाते हैं कि उसे चीफ एडिटर का बड़ा पोस्ट मिला है। कंपनी के ओनर सागर का वेलकम एक पेन देकर करते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा हथियार उसका कलम है। अब यहां हमें सीरीज के कुछ और किरदार से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे सागर की पत्नी प्रिया जो कि खुद एक जर्नलिस्ट है लेकिन फिलहाल वो ब्रेक पे है क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है। सागर की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम अंजलि है। एंड देन सागर की टीम में सबसे खास दो लोग हैं, अमृता और चंद्रमूर्ति। खैर, आगे सागर कंपनी के ओनर से बात कर रहा होता है और यहां हम समझ पाते हैं कि ओनर चीफ एडिटर का पोजीशन किसी चार्ल्स नामक बंदे को देने वाला था, लेकिन सागर ओनर को बताया कि चार्ल्स फिलहाल मेंटली स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये पोजीशन सागर को मिली। बेसिकली सागर चार्ल्स की चुगली करके ये पोजीशन हथिया लिया था और यही वजह थी कि सागर को चार्ल्स एक गंदा सा गिफ्ट भेजता है जिसमें कुछ मुरझाए हुए फ्लावर्स थे एंड देन एक कार्ड था जिसमें बैकस्टैबर और गाली लिखा था। खैर, इसके बाद सागर से मिलने चंद्रमूर्ति आते हैं जो कि सागर को एक किताब गिफ्ट करते हैं और इस किताब का नाम था जर्नलिज्म वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। चंद्रमूर्ति इस नए न्यूज़पेपर को ज्वाइन करके काफी खुश थे क्योंकि यहां वो सच्चाई दिखाकर बदलाव ला सकते हैं। हम व्यू समझ पाते हैं कि चंद्रमूर्ति एक बहुत ही ईमानदार इंसान है जिनको पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। एनीवेज, तो इवेंट के बाद सागर अपने बीवी, बच्ची और अपने डॉग ए के साथ घर की ओर निकलता है। ए का नाम इतना अजीब इसीलिए है क्योंकि अब तक ये लोग इस डॉगी का नाम ही नहीं रख पाए थे, तो इसे ए करके पुकारते हैं। अब रास्ते में एक दमदम ढाबे के पास इनके कार का फ्यूल खत्म हो जाता है एंड दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले ही फुल टैंक करवाया था। अमृता इनकी फैमिली के लिए बैकअप कार भिजवाती है लेकिन उस कार को आने में आधा घंटा लगने वाला था, इसीलिए सागर सबके लिए ढाबे से कुछ खाने का लेने जाता है। ढाबा पे सागर की नजर एक न्यूज़पेपर के फटे हुए टुकड़े पे जाती है जिसमें क्रॉसवर्ड था। यहाँ एक क्रॉसवर्ड का हिंट कुछ ऐसा था, 9 नवंबर 2022 को रात के 10:45:33 पे सागर वर्मा के कार का एक्सीडेंट दमदम ढाबा के सामने होता है जिसमें उनका डॉगी मारा गया था, तो उस डॉगी का नाम क्या था। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि ये डेट लोकेशन सब आज का था लेकिन अभी 10:45 होने में 2-3 मिनट्स बाकी थे। सागर की बीवी ढाबे पे आती है और इससे पहले सागर कुछ समझ पाता कि यहाँ क्या चल रहा है, टाइम हो जाता है और ठीक तभी एक ट्रक आकर सागर के पार्क्ड कार को ठोक देती है। जी हाँ दोस्तों, सागर दौड़कर कार की तरफ जाता है जिसमें उसकी बेटी अंजू भी थी, बट फॉर्चुनेटली अंजू कुछ ही सेकंड्स पहले अपनी गुड़िया उठाने कार से उतर गई थी और इस एक्सीडेंट में सिर्फ सागर के डॉगी ए की जान गई थी। अब जो ट्रक वाला सागर का कार ठोका था वो एकदम डर गया था और उसे ट्रक के डीजल टैंक से कुछ तो निकालने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन हड़बड़ी में वो ऐसा नहीं कर पाता और सागर के चिल्लाने की आवाज सुन वहां से भाग निकलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सागर के फार्म हाउस पे आता है जहाँ वो टाइपराइटर पे हिट एंड रन का केस टाइप कर रहा होता है। तभी सागर के पिता एकदम से आकर उसका टाइप्ड पन्ना फाड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जर्नलिज्म नहीं करोगे, मैं तुम्हें इसका फॉर्म नहीं भरने दूंगा, वगैरह वगैरह। दरअसल सागर के पिता को अल्जाइमर्स था जिससे वो काफी कुछ भूल चुके थे और उन्हें हर वक्त यही लगता था कि सागर कॉलेज में है और जर्नलिस्ट बनना चाहता है, एंड फॉर सम रीजन वो उसे जर्नलिस्ट नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए कोई सा भी कागज फाड़ देते थे उसे जर्नलिज्म का फॉर्म समझ के। खैर, सागर वापस से सब कुछ रीटाइप करता है और अपने घर आए इंस्पेक्टर अजय घोष को देता है। इंस्पेक्टर घोष बताता है कि वो पूरे फोर्स की मदद से उस ट्रक ड्राइवर को
खोज रहा है और पता लगते वो सागर को बता देगा। अब पुलिस के जाने के बाद सागर अपने नौकर को डॉगी का शरीर बगल वाले कंपाउंड में दफनाने कहता है, क्योंकि अपने कंपाउंड में दफनाया तो अंजलि से ये सहन नहीं हो पाएगा। मीनवाइल हमें एक कट सीन द्वारा दिखाया जाता है कि पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने में सफल हो गई है और उस ट्रक ड्राइवर का नाम है कोटी। खैर, अगली सुबह सागर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है जब उसकी बेटी आकर कहती है कि हमने कभी अपने डॉगी को कोई नाम ही नहीं दिया था, अब वो मर चुका है इसलिए मैं अब उसका नाम हिप्पोपोटामस रखती हूँ। अब हिप्पोपोटामस ही क्यों? क्योंकि उसके डॉगी को पानी में खेलना काफी पसंद था। अब ये सुनते सागर को याद आता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो होने से पहले ही घटना का वर्णन एक फटे हुए न्यूज़पेपर के टुकड़े में था। तो सागर फौरन वापस दमदम ढाबे पे जाता है जहाँ उसे वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा डस्टबिन में मिल जाता है। नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि न्यूज़पेपर के क्रॉसवर्ड में हिप्पोपोटामस वर्ड परफेक्टली फिट हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम इम्पॉसिबल जैसा था, क्योंकि कुत्ते का नाम उसके मरने के बाद आज सुबह रखा गया, तो आखिर उस पेपर पे सब कुछ पहले से ही कैसे छपा हुआ था। यहाँ सागर को सर्विस सेंटर से यह भी पता लगता है कि उसके एक्सीडेंट वाले कार के फ्यूल टैंक में किसी ने छेद किया था जिस वजह से उसका फ्यूल खत्म हो गया था। इन सब बातों से परेशान होकर सागर ऑफिस आता है और अमृता को सब कुछ बताता है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि कोई प्लान्ड वे में सागर पे अटैक करवा रहा है, एंड हो न हो ये चार्ल्स का काम हो सकता है। तभी सागर को इंस्पेक्टर घोष का कॉल आता है जो बताता है कि ड्राइवर को हम पकड़ लिए हैं लेकिन उसका बेल हो गया क्योंकि वो बेकसूर था। ड्राइवर के हिसाब से उसके विंडशील्ड के सामने पेपर आ गया था और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ये सुनते सागर घोष से कहता है कि कुछ भी हो उस ड्राइवर को मत छोड़ो, उससे सच उगलवाओ क्योंकि कोई मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। इस काम के लिए सागर घोष के अकाउंट पे 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करता है, जिसके बाद घोष फौरन पुलिस स्टेशन से बाहर जाकर वापस उस ड्राइवर को बहला फुसलाकर थाने ले आता है। दूसरी तरफ सागर बार बार चार्ल्स को कॉल कर रहा था लेकिन चार्ल्स उसका फोन काट दे रहा था। ऐसे में सागर डायरेक्टली चार्ल्स के फार्म हाउस पहुंच जाता है और फार्म हाउस के करीब सागर को एक इंसान दिखता है जो कि येलो रेन कोट और हेलमेट पहना उस पे नजर रखे हुए था। जैसे ही सागर उसे नोटिस करता है वो इंसान अपनी बाइक पे भाग निकलता है। खैर, सागर चार्ल्स के घर के अंदर जाता है जहाँ ढेर सारे पेपर्स के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जब सागर ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वहाँ वो चार्ल्स को देखता है जिसके हाथ में एक देसी कट्टा था। चार्ल्स एकदम डिस्टर्ब दिख रहा था और उसका कमरा छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों से भरा पड़ा था। चार्ल्स सागर से अजीब बातें कहने लगता है, लाइक तुम्हारे कार एक्सीडेंट से पहले तुम्हें एक पेपर मिला होगा जिसमें सब कुछ पहले से ही लिखा था। इससे ये प्रूव होता है कि अब वो तुम्हारे पीछे है और वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। हम चार्ल्स के हाथ में भी सिमिलर पेपर देखते हैं जिसके बाद चार्ल्स खुद को गोली मार लेता है और खून की छींटे सागर पे भी गिरती हैं। यहीं पे पहला एपिसोड खत्म। नाउ दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम चार्ल्स के पास्ट के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं। कुछ महीनों से चार्ल्स के आसपास बुरी घटनाएं ही हो रही थी, लाइक चार्ल्स के माता पिता मारे गए, देन उसका भाई मारा गया इत्यादि। चार्ल्स खुद भी एकदम पागल सा हो गया था जहां वो बस न्यूज़पेपर के टुकड़े इकट्ठा करने लग गया था। नाउ ऑब्वियसली वो ऐसा इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसे भी इन न्यूज़पेपर के टुकड़ों में फ्यूचर की खबर मिल रही होगी कि आगे कौन मारा जाएगा उसके परिवार में। नाउ तभी चार्ल्स को मूंगफली वाले न्यूज़पेपर के टुकड़े में एक न्यूज़ दिखती है जिसमें लिखा था कि एक घटना में चार्ल्स का बेटा मारा गया। चार्ल्स फौरन अपने बेटे को बचाने जाता है लेकिन उसका छोटा बेटा हाइड एंड सीक खेलते हुए एक कार के नीचे छुप गया था जो कि काइंड ऑफ टोड था, और वो कार नीचे गिर जाता है जिसमें दब के चार्ल्स का बेटा मारा जाता है। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, चार्ल्स की मौत से सागर शॉक में था और वो फौरन चार्ल्स के हाथ वाले न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेकर अपने घर भागता है। घर आकर वो अपना कपड़ा खुद धोता है क्योंकि उस पे खून के छींटे पड़े थे, एंड देन न्यूज़पेपर वाले टुकड़े को देखता है। उसमें एक कार्टून बना था जिसमें चार्ल्स खुद को गोली मार रहा था और पीछे सागर खड़ा था। ये कार्टून एकदम एक्यूरेट था। इनफैक्ट सागर उस दिन गलती से अलग अलग रंग का मोजा पहन लिया था और इस कार्टून में ये तक डिपिक्टेड था। दूसरी तरफ चार्ल्स की मौत की खबर पुलिस को लगती है और ये केस क्रांति को हैंडल करने मिलता है। क्रांति की केस में मदद रंगा नाम का पुलिस वाला कर रहा था। क्रांति क्राइम सीन पे जाती है और खून के छींटों को देखकर वो तुरंत पता लगा लेती है कि कोई तो उस वक्त चार्ल्स के पीछे खड़ा था, तभी जो छींटे उस जगह पे बस नहीं है। अब चार्ल्स के फोन को चेक करने पे पुलिस को सागर के कई मिस्ड कॉल्स मिलते हैं। सागर ये सब कुछ अमृता को बताता है और अब तो चार्ल्स के मौत की खबर न्यूज में आने लग गई थी। तभी सागर के ऑफिस में 3 स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उसे एज चीफ गेस्ट अपने कॉलेज के प्रोग्राम में इनवाइट करने आए थे, जो कि होने वाला था 16th of November को, और हाँ वो दिन ही नेशनल प्रेस डे भी होता है। यहाँ सत्या नाम का एक लड़का सागर को अपना रिज्यूमे भी देता है ताकि कॉलेज के बाद वो सागर के साथ काम कर सके, मतलब उसी की कंपनी में उसके अंडर। खैर, इसके बाद सागर चार्ल्स के फ्यूनरल पे जाता है और यहाँ वो फिर से उस येलो रेनकोट एंड बाइक वाले इंसान को देखता है। फ्यूनरल के बाद जब सागर अपने फ्लैट पे आता है तो वहां उससे मिलने ऑफिसर क्रांति आई हुई थी।
क्रांति सागर से पूछती है कि चार्ल्स की मौत के दिन उसके फोन पे आपका 4 मिस्ड कॉल था, ऐसा क्यों? सागर फौरन झूठ बोल देता है कि मैं तो बस चार्ल्स का हाल समाचार पूछने के लिए फोन किया था क्योंकि आजकल वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है। इस पे क्रांति वापस कहती है कि आपकी बीवी प्रिया बता रही थी कि उस दिन घर आके आप अपना कपड़ा खुद धो दिए, जबकि आप कभी ऐसा नहीं करते। ये सुनके सागर थोड़ा घबराता है लेकिन तुरंत झूठ बोलता है कि कंपनी में कुछ नए मशीन्स आए हैं ना, क्योंकि नई कंपनी है तो उन्हें चेक करते वक्त ही मेरे कपड़े पे ऑयल गिर गया था जिसे मैं खुद धो दिया। खुद इसलिए क्योंकि मेरी बीबी अभी प्रेग्नेंट है और मैं उसे कष्ट नहीं देना चाहता था। अब इस कॉन्वर्सेशन से क्रांति को कुछ पता तो नहीं लगता सिवाय इसके कि सागर कुछ तो छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर घोष उस ट्रक ड्राइवर कोटी को बहुत मारता पीटता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर एक ही बात कह रहा था कि एक्सीडेंट गलती से हुई है। सबके दौरान घोष नोटिस करता है कि कोटी का एक दांत सोने का है, एंड ट्रक ड्राइवर होके कोटी सोने का दांत कैसे अफोर्ड कर सकता है। गुस्से में घोष कोटी का वो दांत ही निकाल देता है और इतने मारपीट के कारण वो ट्रक ड्राइवर कोटी मारा जाता है, और ऐसे में घोष ये बात सागर को फोन करके बताता है। कोटी की मौत की खबर सुनके सागर और घबरा जाता है और घोष पे भड़क उठता है कि मैंने सच निकलवाने कहा था, उसे मारने नहीं। सागर कहता है कि कुछ भी करके उस लाश के ठिकाने लगाओ, मुझे इसमें मत घसीटो। अब सागर के इस रूड बोली और बुरे बर्ताव से घोष इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कोटी के लाश को सागर के ही फार्म हाउस के जनरेटर रूम में जाके डाल देता है। फिर वो सागर को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने आपके ही फार्म हाउस में डाल दिया है लाश, अब खुद लगा लो ठिकाने। ऐसे में सागर को बीच रात अपने फार्म हाउस में जाना पड़ता है, और जब सागर जनरेटर रूम में जाता है तो वहां कोटी पूरी तरह मरा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कोटी लड़खड़ाते हुए चल रहा था और तभी वो एक नुकीले औजार पे गिर के मारा जाता है। वहां खून में लथपथ सागर को एक और पेपर का टुकड़ा मिलता है और यहीं पे दूसरा एपिसोड खत्म। अब तीसरे एपिसोड में हमें पता चलता है कि इस नए पेपर के टुकड़े में क्या लिखा था। यहाँ लिखा था कि सागर के फार्म हाउस में पुलिस को ट्रक ड्राइवर कोटी की लाश मिली। ये पढ़ के सागर एकदम चौंक जाता है और वो फौरन कोटी के लाश को लेकर अपने बगल वाले पड़ोसी के कंपाउंड में दफना देता है। तो अगली सुबह क्रांति और रंगा देसी कट्टे के बिजनेस वालों का पता लगा रहे होते हैं क्योंकि चार्ल्स खुद को देसी कट्टे से ही मारा था। उन्हें पता लगता है कि ये पिस्टल वगैरह यूजुअली बिहार यूपी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वहां से ट्रक ड्राइवर्स छुपा कर इसे आंध्र प्रदेश तक लेके आते हैं। क्रांति और रंगा फौरन उन ट्रक ड्राइवर्स के घर जाते हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं, और इसी खोजबीन के दौरान वो कोटी के घर भी पहुंचते हैं। ना ऑब्वियसली कोटी तो अपने घर पे था ही नहीं क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी बीवी थी जो कि कहती है कि कोटी फोन किया था कि वो पुलिस से छूट गया है लेकिन संभव अब तक घर नहीं आया। क्रांति नोटिस करती है कि कोटी के घर में आईपैड, मैक, बड़ा टीवी, वॉशिंग मशीन और गोल्ड वगैरह था। इनफैक्ट कोटी के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे। अब एक ट्रक वाले के पगार से इतना कुछ अफोर्ड कर पाना मुमकिन नहीं है, यानी कोटी भी जरूर इल्लीगल कट्टे के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता होगा, तभी तो उसके पास इतना पैसा है। कोटी के बारे में और पता लगा कि ये लोग घोष तक पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं कि कोटी तुम्हारे हिरासत में था ना, उसका तुमने क्या किया। घोष तो फटाफट झूठ बोल देता है कि कोटी को मैंने बेल के बाद ही छोड़ दिया था, अब उसके बाद कोटी कहां गया ये मुझे नहीं मालूम। क्रांति फिर घोष से पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट पे सागर के अकाउंट से 1,00,000 रुपए आए हैं, ये पैसे सागर ने तुम्हें क्यों भेजे। घोष वापस झूठ बोलता है कि मेरे घर पे पैसों की तंगी चल रही है, तो जब मैं सागर सर से मिला था उनके एक्सीडेंट वाले केस के दौरान तो मैंने उनसे उधार मांग लिया, अब उधार लेना थोड़ी कोई जुर्म है। खैर इन सब बातों के बाद ये लोग कोटी के ट्रक को चेक करने जाते हैं जो कि अब भी पुलिस के हिरासत में था। यहाँ क्रांति नोटिस करती है कि कोटी के ट्रक का डीजल टैंक थोड़ा ज्यादा लंबा था, यानी कि उसमें एक सीक्रेट कंपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ था। इस कंपार्टमेंट को खोलते ही इसके अंदर उन्हें 2 देसी कट्टे मिलते हैं, यानी कि इट वाज प्रूव्ड कि कोटी वाकई इन कट्टों के ट्रांसपोर्टेशन का काम करके बहुत पैसे कमाता था। खैर इन्हें जब्त करके क्रांति यहाँ से निकलती है और वो क्लियरली बोलती है कि घोष भी कुछ छुपा रहा है। यहाँ क्रांति को पुलिस स्टेशन के बाहर ही ट्रैफिक सिग्नल पे सीसीटीवी कैमरास दिखते हैं और वो रंगा से इन कैमरा की फुटेजेस चेक करने कहती है क्योंकि इसमें क्लियरली दिख जाएगा कि उस दिन कोटी पुलिस स्टेशन से कब बाहर आया था। दूसरी तरफ हम सागर के फ्लैट का सीन देखते हैं जहाँ सागर की मेड और बेटी अंजलि एक यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं जिसका नाम था घोस्ट शैडोज। इस चैनल की ओनर और होस्ट एक लेडी थी जो कि रियल हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके खोजबीन करती थी या फिर रियल घोस्ट स्टोरीज को कवर करती थी। प्रिया यहाँ अपने मेड को ऐसा फालतू प्रोग्राम देखने से मना करती है और तभी प्रिया को अपने दोस्त अश्विन का कॉल आता है। अश्विन एक अस्पताल चला रहा था जहाँ वो जानबूझकर आग लगा दिया था ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, लेकिन इस आग में कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी जिससे अश्विन अब फंस गया था। नाउ क्योंकि प्रिया भी एक जर्नलिस्ट थी, वो अश्विन को दिलासा देती है कि मैं बातचीत करके इस खबर को दबा दूंगी, तुम बच भी जाओगे, बस सबका मुंह बंद करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्चा करना होगा। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि सागर की पत्नी प्रिया भी एक करप्ट जर्नलिस्ट है सागर की ही तरह। वैसे आज सागर की कंपनी समाचार का उद्घाटन करने मिनिस्टर आए थे और यहाँ इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि कैसे सागर इस मिनिस्टर से मिला हुआ है। सागर इस मिनिस्टर के काले कारनामों को छुपा देता है, ऑपोजिशन की बुरा
ट्राई करता है जिसके बदले उसे काफी पैसे मिलते हैं। अब सागरों मिनिस्टर की करीबी को चंद्रमूर्ति भी नोटिस करता है और उसे ये पसंद नहीं आता क्योंकि ऑफ कोर्स चंद्रमूर्ति बहुत ईमानदार इंसान था। खैर पूजा के वक्त वहाँ पूजा के सामान के नीचे से कई पेपर्स उड़ते हैं और सागर पागलों की तरह इन्हें एक बैग में इकट्ठा करता है। इस पूरे इवेंट के बाद सागर अपने ऑफिस चेंबर में जमा किए हुए इन पेपर्स को चेक कर रहा होता है जब चंद्रमूर्ति वहाँ आता है। दरअसल इनके आज छपने वाले न्यूज़पेपर में कुछ सेक्शंस को खाली रखा गया था ताकि उनमें उन मिनिस्टर का प्रचार किया जा सके। चंद्रमूर्ति इसके सख्त खिलाफ था और ऐसे में सागर चंद्रमूर्ति पे भड़क जाता है सेइंग कि ये कंपनी ईमानदारी से नहीं पैसे से चलती है, एम्प्लॉयज के पगार देने होते हैं हमें, तो ऐसे में जो मुझे पैसा देगा उसके लिए मैं अच्छी बातें छापूंगा और रिलेशनशिप्स भी हैं हमारे मिनिस्टर से। ऑब्वियसली चंद्रमूर्ति को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती और इस बहस के बाद चंद्रमूर्ति डिसाइड्स कि वो ऐसा गलत काम नहीं करेगा। इनफैक्ट वो ऐसी कंपनी में नहीं रह सकता जहां ऐसे गलत काम होते हैं और इसी वजह से सागर चंद्रमूर्ति को फायर कर देता है। मीनवाइल आज ऑफिस में स्टाफ के बच्चे भी आए थे जो कि पेपर का अलग अलग चीज बना रहे थे लाइक फिश प्लेन इत्यादि। एक बच्चा पेपर प्लेन उड़ाता है जो कि सीधे सागर के पास आके गिरता है। सागर इस पेपर को उठाता है और यहाँ उसका राशिफल था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, आज आपको बहुत कष्ट मिलेगा क्योंकि आपका होने वाला बच्चा मारा जाएगा। अब जैसे ही सागर इस खबर को पढ़ता है उसे घर से फोन आता है कि प्रिया फिसल कर गिर गई है जिस वजह से उसका बहुत खून निकल रहा है। प्रिया को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सागर भी वहां पहुंचता है। प्रिया का कमरा 315 था और वहां जाते वक्त सागर नोटिस करता है कि हॉस्पिटल के एक कमरे में अमृता एडमिटेड थी और वो बहुत चोटिल हालत में थी। फिलहाल सागर उसे इग्नोर करके प्रिया के बारे में डॉक्टर से पूछता है जहां डॉक्टर कहते हैं कि प्रिया बिल्कुल सेफ है और आपका होने वाला बच्चा भी सेफ है, नथिंग टू वरी अबाउट। ये सुनकर सागर ऑब्वियसली खुश हो जाता है और उसके बाद वो अमृता से मिलने जाता है। अब यहां अमृता सागर को देखकर रोने लगती है और वो कहती है कि मैं हमारे बेबी को नहीं बचा सकी, हमारा होने वाला बच्चा नहीं रहा। यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म। अब चौथा एपिसोड थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहां हम सागर और अमृता को साथ देखते हैं। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सागर के पास एक पॉलिटिशियन के करप्शन का प्रूफ था लेकिन वो इसका खुलासा करने के बजाय पॉलिटिशियन से ढेर सारा एड्स खरीद लिया, मतलब उसे ढेर सारे पैसे लिया और प्रूफ को दबा दिया। खैर बैड वेदर के कारण अमृता की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और ऐसे में सागर और अमृता एक होटल में जाते हैं। यहां अमृता बताती है कि उसका पति मर्चेंट नेवी में है और वो साल में बस 2 महीने घर आता है। इनफैक्ट अमृता का पति उसे मारता पीटता है एंड शी इज नॉट हैप्पी विद हर मैरिड लाइफ। यहाँ सागर और अमृता एक दूसरे के क्लोज आते हैं और दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मोस्टली उसी दिन के कारण अमृता सागर के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब अमृता का पति जब घर आया तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट मिल गया अमृता का और वो समझ गया कि अमृता के पेट में उसका बच्चा तो नहीं है क्योंकि वो तो 8 महीने बाद घर आया है। इसलिए वो अमृता को बहुत मारा पीटा जिससे अमृता इतनी चोटिल हालत में हॉस्पिटल में है और उसका होने वाला बच्चा भी नहीं बच पाया। अब ये सब सुनके सागर बहुत अजीब रिएक्ट करता है, आई मीन उसको अमृता का कुछ नहीं पड़ा था, वो बस कहता है कि अपने से मत बताना कि हमारे बीच अफेयर था और हम जो कुछ भी किए वो बस फिजिकल था, बाकी कुछ नहीं। अच्छा ही हुआ हमारा बच्चा नहीं रहा क्योंकि आज पेपर में आया था कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मुझे डर था कि कहीं मेरा और प्रिया वाला बच्चा तो नहीं मारा जाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे कारण मेरा वाला बच्चा बच गया, इसलिए ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जो खर्चा लगे वो करो और अपना इलाज करवा लो अच्छे से। इसके अलावा हम साथ में काम भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ऑकवर्डनेस हो गई है हमारे बीच। ऑब्वियसली ये सब सुनके अमृता काफी हर्ट होती है और वो अब सागर से बदला लेने का प्लान करने लगती है। तो क्या सागर प्रिया को लेकर अपने फ्लैट आता है, हाँ उसका फ्लैट अलग है और फार्म हाउस अलग। अब उसके फ्लैट पे कई बच्चे खेल रहे थे और ये सब अंजलि के दोस्त थे। ये सभी बच्चियां वही घोष शैडो शो देख रही थी। सागर यहां से डायरेक्ट घोष से मिलने जाता है और उसको सब कुछ बताता है कि कैसे पेपर के टुकड़ों में उसे उसका फ्यूचर पता चलता है जिसमें कोई ना कोई उसका करीबी मारा जाने वाला होता है। पहले तो घोष इन बातों को नहीं मानता लेकिन एक पेपर जो कि कोटी के खून में सना हुआ सागर को मिला था उसमें क्लियरली लिखा था कि कोटी को किसी ने बुरी तरह मारा पीटा, उसका सोने वाला दांत निकाला एंड देन कोटी की लाश सागर के फार्म हाउस में मिली। वेल ये गोल्डन दांत वाली बात घोष के अलावा किसी और को मालूम नहीं था, इसीलिए अब घोष भी सीरियस हो गया था। ये दोनों मिलके उस टॉर्चर रूम का सारा पेपर खंगालते हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। सागर घोष से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, बस तुम पता करो कि ये सब कौन कर रहा है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात सागर नोटिस करता है विच वाज कि उसे जो भी फ्यूचर बताने वाले पेपर्स के टुकड़े मिले थे उन सब में क अक्षर उल्टा लिखा हुआ था। इस पॉइंट को याद रखना, अगले वीडियो में काम आएगा इसका। खैर दूसरी तरफ क्रांति और रंगा ट्रैफिक लाइट वाला सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उन्हें वहां दिखता है कि कोटी पुलिस स्टेशन से अपने लॉयर के साथ बाहर तो आया था लेकिन घोष उसे फिर से अंदर ले गया था। उसके बाद कोटी पुलिस स्टेशन से बाहर ही नहीं आया, बस देर रात घोष की गाड़ी बाहर आई थी। अब बारिश की वजह से ये फुटेज क्लियर नहीं था इसलिए ये दोनों घोष के उस दिन का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करवाते हैं कंपनी वाले से, सिम वाले से। इन्हें पता लगता है कि घोष उस रात यहां से काफी दूर सागर के फार्म हाउस पे गया।
था। इसके बाद घोष सागर को कॉल किया, जिसके बाद सागर भी अपने फार्म हाउस पे गया था। ये पता लगते क्रांति और रंगा वारंट निकाल के पूरी फोर्स के साथ सागर के फार्म हाउस की तलाशी लेने जाते हैं। यहाँ इन्हें कुछ नहीं मिलता, ऑल्दो क्रांति नोटिस कर लेती है कि यहाँ का जनरेटर रूम एकदम फ्रेशली पेंटेड था। इनफैक्ट वहाँ के कुछ टूल्स भी साफ करके रखे गए थे, यानी इस कमरे में कुछ तो हुआ था जिसे छिपाया जा रहा था। अब क्रांति को बाहर कीचड़ में कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो कि बगल वाले कंपाउंड की तरफ जा रहे थे। ये फुटप्रिंट्स इतने डीप थे मानो कोई किसी को उठाकर ले जा रहा होगा। ये सब डिडक्शन के दौरान हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि कैसे वाकई में सागर उस दिन कोटी के शरीर को उठाकर लेके गया था, देन जनरेटर रूम को पेंट किया था इत्यादि। नाउ बगल वाले कंपाउंड में फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां की मिट्टी ढीली थी, यानी यहां पे खुदाई करके कोटी की बॉडी को दफनाया गया होगा। बस फिर क्या था, पुलिस की टीम इस जगह पे खुदाई करना शुरू कर देती है। मीनवाइल सागर जो कि फिलहाल अपने फ्लैट पे था, उसे उसकी मां कॉल करती है सेइंग कि पुलिस वाले यहां फार्म हाउस पे खोजबीन कर रहे हैं। ये सुनके सागर कॉन्फिडेंटली कहता है कि पुलिस को खोजबीन करने दो, उन्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग टू सागर, हम देख पाते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल होने लगा है और वो भी अब दिन भर बस पेपर कट्स कलेक्ट करके उन्हें पढ़ता रहता है कि कहीं कोई न्यूज मिल जाए। तभी इनके घर पे डिलीवरी बॉय आता है जो कि खेल रहे बच्चों के लिए एग पफ्स लाया था। ये एग पफ्स प्रिया मंगवाई थी और ये सब पेपर में रैप्ड था। यहाँ प्रिया अंजलि से कहती है कि तुम पहले कपड़ा बदल लो फिर खेलना। अंजलि कपड़ा बदलने की कोशिश करती है लेकिन उसका ड्रेस उसके सर में फंस जाता है। ऐसे में वो बिना देखे चलते चलते घर से बाहर निकल जाती है। मीनवाइल प्रिया अंजलि को ढूंढ रही होती है और सागर भी प्रिया की आवाज सुनकर बाहर आता है। सागर को यहाँ एग पफ्स वाले पेपर्स मिलते हैं और वो फौरन दूसरे बच्चों के पास जाके उन सब का एग पफ वाला पेपर चेक करने लगता है। फाइनली एक पेपर में सागर को कुछ तो खतरनाक लिखा मिलता है। यहाँ लिखा था कि जर्नलिस्ट सागर वर्मा की बेटी लिफ्ट में गिर के मारी गई। जी हाँ दोस्तों, ये पढ़ते सागर फौरन सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग की लिफ्ट बंद करने बोलता है। मीनवाइल सागर की बेटी अंजलि चलते हुए लिफ्ट के पास आ गई थी जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया था। वो उसमें गिर जाती और लिफ्ट के ऊपर चोटिल हालत में पड़ी थी। जब तक गार्ड लिफ्ट को बंद कर पाता या फिर सागर वहां पहुंच पाता, ये लिफ्ट ऊपर आ जाता है जिसमें कट के अंजलि मारी जाती है। यहीं पे चौथा एपिसोड भी खत्म। दोस्तों ये थी दूता वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी और यहाँ हमारे मन में कई सारे डाउट्स हैं। पहला डाउट कि क्या यहाँ सचमुच कुछ पैरानॉर्मल है और अगर है तो क्या है या फिर ये किसका प्लान है। दूसरा डाउट कि वो बाइक पे येलो रेनकोट वाला इंसान कौन है जो कि सागर को हमेशा दिखता है। क्या क्रांति और रंगा को खुदाई करने पे कोटी की शरीर मिल जाएगी। पूरे सीरीज के दौरान लगातार बारिश क्यों हो रही है। इन पेपर कटिंग्स का राज क्या है और क्या सागर बच पाएगा। वेल ऑल आई कैन से राइट नाउ इज कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन कहानी आगे और भी खतरनाक और भयानक होने वाली है जहां कई ट्विस्ट्स हैं और बहुत सारे राज खुलेंगे। अगले 4 एपिसोड अभी वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पे 12 के लाइक्स हो जाएं। उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दिन में हो जाएगा तो जितना जल्दी आप लाइक्स कंप्लीट कर दो मैं डाल दूंगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।